अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आयशा और मेरे चैनल आयशाज केक डिलाइट में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए नोजल से बनने वाले अलग अलग बॉर्डर्स और डिजाइन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बिना नोजल के आप लीफ कैसे बना सकते हैं और लीफ्स को टिप आने के लिए कौन सी ट्रिक इस्तेमाल की जाती है। तो फिर हम यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले मैंने इस तरह से एक पाइपिंग बैग को लिया है जिसमें मैंने एक नोजल को ऐड किया है। नोजल का नंबर है M1 नंबर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने नोजल को थोड़ा पीछे करके आगे से टिप कट कर ली है और फिर मैंने उसको आगे कर लिया है और इस तरह से एक ग्लास में रखकर ही इसे फिल भी किया है। अगर बिगनर है तो पहले इसी तरह से पाइपिंग बैग को भरा करें, क्योंकि इस तरह से भरने से पाइपिंग बैग में एयर वगैरह नहीं आती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं पहले स्टार बना रही हूँ। स्टार बनाने के लिए मैंने केक बोर्ड पे सिर्फ इसे रखकर ऊपर की तरफ उठा लिया है। फिर इस वीडियो में लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो यकीन है कि आप इस चीज़ को इग्नोर कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रोजेट बनाए हैं। रोजेट बनाने के लिए सिंपली मैंने इसे राउंड घुमा लिया है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर जाके इस तरह से फिनिश करें। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड डिजाइन को मैंने सिर्फ प्रेशर देते हुए और हाथों को थोड़ा हिलाते हुए इस डिजाइन को बनाया है। अब हम इसी नोजल से सेम सिर्फ थोड़ा और प्रेशर देंगे तो यहाँ पर हमारे स्टार बड़े बन जाएंगे जो फूलों की तरह से नजर आते हैं। कम प्रेशर देने की वजह से पहली दो लाइन वाली डिजाइन बनती है जिसे हम बॉर्डर्स पे भी बना सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से हमने रोजेट के लिए हाथों को मूव किया था उसी तरह से, पर यहाँ पर इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने हाथों को घुमाकर ऊपर की तरफ लिया है। इससे हमारी डिजाइन तरह से सॉफ्टी वगैरह पे हम आइसक्रीम को देखते हैं उसी तरह से बन जाती है। अब यहाँ पर मैंने एक बॉर्डर भी बनाई है जिसके लिए सिंपली उसे रखकर ही उठाया है और फिर से उसी के ऊपर से रखकर सेम डिजाइन को बनाते हुए हमने उस बॉर्डर को कंप्लीट किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्रेड डिजाइन बनाई है। डिजाइन को बनाने के लिए सिंपली मैंने इस तरह से नोजल को अपनी तरफ खींचा है, फिर से उसके अपोजिट साइड में रख के भी अपनी तरफ ही खींचा है। डिजाइन जो फ्रोजन फोटो केक आते हैं उस पर भी इस नोजल से ब्रेड दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने नूर N2 नोजल लिया है। ये नोजल सेम डिजाइन ही देता है, सिर्फ इसके आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने नोजल के फोटो भी लगाने की कोशिश की है जो आपको समझने में आसानी होगी कि इसके टिप कैसे होते हैं। यहाँ पर मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लिया है। जैसे 1M नोजल से हमने डिजाइन बनाए हैं वैसे ही हमने यहाँ पर इस नोजल से भी बनाए हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो इन दोनों में से कोई भी एक अगर नोजल आपके पास होता है तो आप अपना केक बिजनेस बहुत ही आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने मेरा सब में पहला यही नोजल है जिसे मैंने बाय किया था और फिर मैंने एक एक करके अपने ज़रूरत और अपने ऑर्डर के मुताबिक मैंने इन सभी नोज़ल को बाय भी किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नूर का 5 नंबर नोज़ल है जिससे हम केक का टॉप कवर कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस तरह से इससे अलग अलग बॉर्डर भी आपको करनी बताई है यहाँ पर, और इस नोज़ल को बॉर्डर नोज़ल ही कहा जाता है। यहाँ पर मैं बास्केट डिज़ाइन बनाकर बता रही हूँ जो हमने इसी नोज़ल से बनाया है। यहाँ पर बास्केट डिज़ाइन बनाने के लिए हमें सबसे पहले लाइन बनानी है और इस तरह से थोड़ी गैप रखते हुए कुछ और लाइन्स को छोटे छोटे बनाने हैं और फिर जहाँ पर हमारे वो छोटे लाइन्स ख़त्म होते हैं वहीं पर हमें फिर से एक लाइन निकाल कर जहाँ पर हमने पहले गैप रखी है उस गैप में हमें फिर से नोजल से फिल करना है। इसी तरह से ये बास्केट डिज़ाइन तैयार होती है। बास्केट डिज़ाइन के लिए इस तरह का नोजल इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास इस तरह का नोजल ना हो तो आप इस तरह से इन नोजल से भी इस तरह के डिज़ाइन को बना सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस तरह से अब हम लीफ बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैंने दोनों तरीके बताए हैं। यहाँ पर मैंने क्रीम में आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस तरह से पाइपिंग बैग में ही ग्रीन कलर को ऐड कर दिया है और थोड़ा सा ऊपर उसे रब किया है और इस तरह से पाइपिंग बैग को थोड़ा आगे पीछे करते हुए इस तरह से मैंने यहाँ पर इन लीव्स को बनाया है। इन सभी को बनाने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्हें अच्छी तरह से टिप नहीं आ रही है, पर जब हम बिना नोज़ल के बनाते हैं तो उसे अच्छी सी टिप भी आती है। और दूसरी बात, जब हम टिप बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्रीम को भरने के बाद क्रीम को थोड़ा सा हाथों पर रब करें जिससे वो थोड़ी पतली होती है और पतली होने के बाद इसमें टिप बहुत ही अच्छी आती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड में मैंने फिर से बॉर्डर्स को बनाना बताया है। यहाँ पर सिर्फ हमें एक ही प्रेशर में इस तरह से आगे की तरफ नोज़ल को लेके जाना होता है जिससे ये इतनी प्यारी डिज़ाइन बन जाती है।
और अगर आपके पास नोजल ना हो तो पाइपिंग बैग को हम देख आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इस तरह से मार्कर की मदद से इसके ऊपर एक वी बना लिया है जिसे मैं इस तरह से कट कर रही हूँ और यहाँ पर पाइपिंग बैग को कट करके मैं नोजल बना रही हूँ। और अगर आप इस तरह के बहुत ही कम खर्चे में ऑर्डर कैसे ले तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इस तरह से कट करने के बाद इस पाइपिंग बैग को यहाँ पर हाथों के मूवमेंट पर ज्यादा ध्यान दीजिए कि मैं किस तरह से इस पाइपिंग बैग को की तरह बनाने के लिए इसे मैं ओपन कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसे ओपन करके जो हमने वी बनाया था उसे हमने एक ही साइड में फोल्ड कर लिया है जिससे हमारी पाइपिंग बैग इस तरह से दिखती है। अब यहाँ पर मैं इसे ग्लास में रख के इसमें मैं क्रीम को फिल कर रही हूँ। अब मैंने इस पाइपिंग बैग में ज़्यादा कलर को नहीं ऐड किया है, जो पहले वाला क्रीम थी उसी को थोड़ी सी ऐड करके मैंने इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से पाइपिंग बैग से जो हमने लीफ बनाए हैं उसको बहुत ही अच्छी और प्यारी टिप भी आई है, इसीलिए इस तरह का नोजल इस्तेमाल करने से बेहतर है आप पाइपिंग बैग से ही इस डिज़ाइन को भी बना सकते हैं। और सभी लीफ भी बराबर से बन रहे हैं और बॉर्डर भी बन रहे हैं, तो इसके लिए 50 रुपये का नोज़ल इस्तेमाल करने से बेहतर है कि हम अगर बिगनर्स हैं और हमें थोड़े ही बजट में सामान लेना है तो इस तरह से इस नोज़ल को आप स्किप भी कर सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं इससे बहुत ही प्यारे लीफ बनते हैं। आपको अगर इससे बड़े लीफ बनाने हैं तो आप इससे बड़ा वी कट दे तो इससे बड़े भी बन जाते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, अगर आपको मेरी कोशिश सही लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और सिर्फ 1 mm नोज़ल या N2 नोज़ल भी आपके पास होगा तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं नए नए केक डेकोरेशन के लिए। आजकल मुझे सभी थीम केक की ही ऑर्डर्स आते हैं तो नोज़ल का इस्तेमाल भी नहीं होता है। यहाँ पर मैंने ग्रास नोज़ल से ग्रास बनानी बताई है और मैंने बिना नोज़ल के भी ग्रास बनानी आपको बताई है। यहाँ पर ग्रास बनाने के लिए सिर्फ इस तरह से टच करें और ऊपर की तरफ इसे खींचे तो यहाँ पर आपकी ग्रास भी बनकर रेडी हो जाती है। अब यहाँ पर मैं नूर का 7 नोज़ल इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भी सेम ही है, इससे हम बॉर्डर्स को बना सकते हैं और ये बॉर्डर्स हमने जिस तरह से 1 mm नोज़ल से बनाए हैं उसी तरह से हैं। तो यहाँ पर थोड़ी लाइट का भी इशू हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से हमने बॉर्डर्स बनाए हैं। यहाँ पर ये नूर का 14 नंबर नोज़ल है, पर आपको इन नोज़ल की डिज़ाइन बताने का मोटिव ये है कि ये लगभग सेम ही डिज़ाइन बना लेते हैं। आपके पास इसमें से कोई एक या दो नोज़ल हो तो अब भी आप बहुत से अच्छे अच्छे केक्स बनाने के लिए ऑर्डर्स ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये नूर 12 नंबर का नोज़ल लिया है जिसे हम शेल नोज़ल कहते हैं, पर लगभग ये नूर का जो मोंदक नोज़ल है 14 नंबर उसी तरह से इसकी भी डिज़ाइन आती है। मैंने भी इसे एक एक करके ही बनाया है। आप कोशिश करें कि इनके ऑर्डर्स आजकल तो बहुत कम ही हो चुके हैं सभी को थीम। अब यहाँ पर मैंने पहले आपको जो बास्केट नोज़ल का फ़ोटो बताया है वो ये बास्केट नोज़ल से इस तरह से बन जाती है। और अगर आप बिगनर्स हैं तो जब भी केक बनाते हैं और क्रीम जो भी बच जाती है उसी से इस तरह के डिज़ाइंस को ट्राई करते रहें। अभी जो मेल्ट होती है क्रीम उसे फिर से फ्रिज में रखकर आप इसे फिर से ट्राई भी कर सकते हैं। क्रीम मेल्ट होने के बाद उसे फ्रिज में रखेंगे तो वो सेट हो जाती है, यानी फिनिशिंग के लिए वो इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन आप इस तरह से नोज़ल वर्क ट्राई करने के लिए इस्तेमाल उसे कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।